मोदी सरकारच्या कामगिरीबद्दल समाजातील लहान व्यावसायिक वर्गाच्या मनात काय भावना आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज जळगाव दौऱ्यात दरम्यान जलाराम मंदिर येथील आयोजित कार्यक्रमात आढावा घेतला. तसेच त्यांना विविध योजनांची माहिती देत त्यांचा लाभ घेण्याबाबत संवाद साधला. यावेळी जळगाव शहरातील इलेक्ट्रिक भेलपुरी इस्त्री कामगार, बांधकाम मिस्त्री, पानपट्टी धारक, हॉटेल चालक, भाजी विक्रेते, चहा दुकानदार, फळ व फुले विक्रेते, प्लंबर, मजूर आदी अनेक लहान व्यावसायिक बांधवांसोबत चर्चा केली. आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांनी सुद्धा या प्रसंगी आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देत सर्वांसमोर भावनांना वाट मोकळी करून देत मी सुद्धा युवा अवस्थेत असेच लघु व्यवसाय केले आहेत असे सांगितले. आणि आधी मी तुमच्यातील आहे, नंतर मी आमदार असे भावुक उद्गार त्यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर त्या ठिकाणी सहभोजनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. तो सरकार ने क्या कहा है कि ये जो नया रोजगार भविष्य में पैदा होगा इनको कहते हैं डिवर्कर और ग्रेट परावर्तक. क्या कहते हैं डिवर्कर और ग्रेट? इनकी भी सुरक्षा के लिए सरकार नए सोशल सिक्योरिटी कोड में बढ़ देकर है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अगर आप 100 रुपये जमा कराएंगे, 40 साल में जमा कराएंगे, तो आपको 60 साल के बाद 3,000 रूपये की पेंशन मिलेगी. दूसरा, कोविड जैसी जब महामारी आई तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा. तीसरा, ऐसे संकट के समय में सबको सहायता राशि पहुंचाना, तो इसके लिए देश में डेटा होना जरूरी है. आखिर हमें देश में पता लग जाएगा कि कितने टेलर हमारे देश में है, कितने इलेक्ट्रीशियन हमारे देश में है, कितने हेल्थ वर्कर हमारे देश में है. जैसे हमने बहुत सारे ऑक्सीजन के आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का यहां पर मैं हमारे विधायक से कहूंगा कि बोर्ड लगा के पूरी जानकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना और उसमें हम भी मदद कर सकते हैं. हमारा मंत्रालय और अरबों मंत्रालय भी कर सकता है. अब हिन्दुस्तान में तो ज्यादा रोजगार स्वरोजगार ये हमारे छोटे छोटे व्यवसायों में आपको रोजगार में आगे बढ़ने के लिए आगे अवसर देने के लिए एक सरकारी योजना है. क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा सपना केंद्र के एक अन्य नेता प्रधानमंत्री जो रोजगार से संबंधित है, श्रमजीवी अगर जो लोग हैं उनसे भी संबंधित डिपार्टमेंट उनके तरफ है, रोजगार का भी डिपार्टमेंट उनके तरफ है, बाकी वॉलेंटियर पर्यावरणीय है. ऐसे अपने नेता यहां पे आए और आज ये बात है कि ये सब छोटे कंपनी का हमारे लोग भाई लोग छोटा छोटा व्यवसाय करते रही थी. यहां पर बात करने जो परंपरा बात बोलने के साथ माना जाए इसके लिए ज्यादा जो बात बोलने के साथ जो अलग अलग जगह छोटे छोटे अपने पास करते थे लेकिन फिर उसमें से अभी कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं, तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो ये प्रोफेशन में है छोटे छोटे प्रोफेशन की इनको बच्चे जो है तरह की अलग अलग क्षेत्र में वो जाए वो भी कोशिश करते हैं. और इसमें बहुत सारे लड़के हमारे लिए अपने बनाकर बनाकर जो हमारे कोविड जैसी जब महामारी आई तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा. तीसरा, ऐसे संकट के समय में सबको सहायता राशि पहुंचाना, तो इसके लिए देश में डेटा होना जरूरी.